Not a disturbance, what Vikram had questioned. Last year it was not a disturbance, from this year onwards it has been added. And the MMRIs now, I only saw it is 30%. Till previously 192 section was not. In fact, chapter 17B specifically has been included. It was not the case, it was only particular sections which was included for disturbance. That means, if I don't deduct TDS on salary, it was not specifically disturbed. For other sections it was allowed, but from this year onwards it will be disturbed. Non-tax people, you are understanding, I so. Disallowance means, if I am paying salary to somebody, it becomes an expenditure for me. But if I don't deduct tax as per the requirement, jo bhi time pe 7th ke pehle bharna hai, TDS return file karna, if I don't do that, then that expenditure is not an expenditure for me. I cannot claim as an expenditure if I don't deduct tax on time. So there is, usme hai ki before filing the return, I can pay the tax and take the deduction, but I am not getting into all the nitty-gritty. But basically, if you don't deduct, then this disallowance is there of my expenditure. Otherwise, salary is an expenditure for me. Okay. So now over to section 194C, which is the group. Komal, who else? Komal, Amit, Sumer. So three of them have. Acha, before the, any other query for 192. In fact, one small suggestion. Leo and Deepak had done a very good job. But usme purpose evaluation also was a very important section in that section 17. 17.2 precisely. Usme aur bhi thoda add karke next time also we'll improvise. Of course, apne ko purpose evaluation big corporates mein zyada lagta hai. But as a training program when we do it, if we can add that also, it will be sone pe suhaga ho jayega. Lekin acha kiya, mast, jabardast. So next is Komal, Amit and Sunera. Big round of applause to them. Welcome there. 194 C to them. Yeah. Let us start this session 194C. This presentation is a combined effort of myself, Amit and Solera. Contractor है, हमने उसको दो सर्विसेज दिए, मैंने उसको कंस्ट्रक्शन एंड मैंने उसको पेंटिंग, एंड बोथ बोथ कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर इट
रहेगा देन इज एच, देन इन दैट केस वी नीड टू डिडक्ट एट द रेट ऑफ 1%. बट इफ इट इज एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन इज कंपनी फॉर्म, तो कंपनी के लिए सी विल बी द फोर्थ लेटर इन हैंड एंड फॉर फॉर्म इट विल बी एच, देन इन दैट केस वी आर गोइंग टू डिडक्ट एट द रेट ऑफ 2%. अभी अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं देन इन दैट केस वी नीड नॉट डिडक्ट टीडीएस. फर्स्ट थिंग इज इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड इंश्योर, इफ हम लोग ने पर्सनल पर्पज के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, लाइक मेरे को मेरा खुद का बंगलो बना है, एंड फर्स्ट थिंग इज आई एम नॉट लायबल टू टैक्स ऑन इट, बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन आई नीड नॉट डिडक्ट टीडीएस. बट पर्सनल पर्पज है एंड आई एम लायबल फॉर टैक्स ऑन इट, देन आई नीड टू डिडक्ट टीडीएस. एंड सेकेंड इज अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है एंड दैट ट्रांसफर
अभी एग्रीमेंट है रेट कॉन्ट्रैक्ट का, तो वेदर टीडीएस विल कम अंडर सेक्शन 194C और 194I. नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज बेसिकली अ रेट कॉन्ट्रैक्ट. मैंने होटल वाले से एक पर्टिकुलर अमाउंट में डिसाइड किया है कि मेरे को होटल रूम्स चाहिए. जैसे कि मैंने डिसाइड किया मंथली आई विल पे 5000, एनी रूम तुम लोग को जो अवेलेबल है तुम लोग मुझे दे सकते हो, बट अमाउंट हैज बीन फिक्स्ड, सो दैट इज नोन एज अ रेट कॉन्ट्रैक्ट. बट मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है कि मुझे यही रूम चाहिए, यही फ्लोर पे चाहिए, यही रूम नंबर चाहिए, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है. ओनली आई फिक्स द अमाउंट. तो अगर मेरे कंट्रोल में होता है देन इट इज अंडर सेक्शन 194I, बट इफ इट इज नॉट अंडर माई कंट्रोल देन इट इज अंडर सेक्शन 194C. इन दिस केस सिर्फ रेट्स डिसाइड हो, बट रूम्स, रूम नंबर या कौन से फ्लोर पे चाहिए कुछ डिसाइड नहीं है. सो इन दिस केस इट विल बी अंडर सेक्शन 194C. अभी हम लोग ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है फॉर एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क, और वो कॉन्ट्रैक्टर है वो मटेरियल्स भी सप्लाई करता है, लेबर भी सप्लाई करता है, एंड देन इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम लिफ्ट ऑपरेटर सर्विस. सो लिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग पेमेंट करते हैं एंड द कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट मेकिंग द पेमेंट. सो टीडीएस विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194J और 194C. बहुत लोगों को लगेगा लिफ्ट ऑपरेटिंग करना मतलब वो टैलेंट का काम है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, तो इट माइट बी अंडर सेक्शन 194J, बट इट इज नॉट द केस बिकॉज प्रोफेशनल डिफाइंड अंडर सेक्शन 194J. सो इन दिस केस इवन दो इज प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विसेज बट ही इज नॉट डिफाइंड अंडर 194J. सो इन दिस केस इट विल बी अंडर सेक्शन 194C. सो वॉट एवर पेमेंट वी आर मेकिंग टू द लिफ्ट ऑपरेटर इट विल बी स्टिल अंडर सेक्शन 194C. अभी लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस स्टडी. अगर एक XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, इट इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग बिजनेस, और मुझे रेगुलरली लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराने होते, तो आई एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ प्रिंटिंग पर्सन कि मेरे को रेगुलर बेसिस पे लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना है. तो इन दिस केस वेदर TDS विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194C और J. सो इसमें ठीक है, थ्री कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड. अगर हम लोग ने मटेरियल प्रोवाइड किया, लाइक विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना है तो हम लोग ने कार्ड उनको प्रोवाइड किया मटेरियल, और हम लोग ने बोला है आपका जैसे भी फॉर्मेट है उसी में प्रिंट करके दो, सिर्फ मेरा नाम, फैक्स, मोबाइल नंबर ऐसे सब चाहिए, बट बाकी सब आपका जो फॉर्मेट है उसी हिसाब से मुझे चलेगा. तो इन दिस केस इट विल बी अंडर सेक्शन 194C, बट मैं कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ और वो अपने ही फॉर्मेट के हिसाब से सब कुछ करने वाला है, देन इन दैट केस देयर विल बी नो टीडीएस. बट अगर मैंने उसको well, he should also charge service charge. There is a service charge. You can't
समझ में आ रहा है मेरा बिजनेस का रिसीव में इंडिविजुअल हो मेरा